نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم फसूला दिख रिल्लास औला दिखा ही ईमान वालों के लिए जुम्मे की अजान के बाद किसी भी और किस्म की मशगोलियत इख्तियार करना दुरुस्त नहीं और हर आकिल बाल को जुमे की नमाज के लिए दौड़ पड़ना चाहिए क्योंकि जुम्मे हर मुसलमान पर फर्ज है नबी वसल्लम ने फरमाया जुमा हर मुसलमान पर जमात के साथ लाजमन फर्ज है कहा सिवाय चार तरह के लोगों के गुलाम ममलूक औरत बच्चा या मरीज तो एक हो गया गुलाम ममलूक दूसरा औरत तीसरे बच्चा और चौथे बीमार शख्स इसी तरह मुसाफिर पर भी जुमा नहीं है और औरतें घर में चार रकत तमाज अपनी जोहर की पढ़ेंगी घर में जुमा नहीं होता जुमा जमा होकर ही होता है मस्जिद में होता है और बड़ी मस्जिद में होता है ईद के दिन जुमा ना पढ़ने की रुख्सत है अबरा कहते हैं कि रसूल सलम ने फरमाया तुम्हारे आज के दिन में दो ईदे जमा हो गई है बस जो चाहे तो उसके लिए ये नमाजी ईद जुमा से काफी होगी जुमा ना भी पढ़े तो ठीक है ईद का पढ़ना लाजिम है और हम तो जुमा पढ़ेंगे यानी आपने पसंद किया कि जुमा पढ़े लेकिन जो ना पढ़ना चाहे जोहर पढ़ना चाहे तो वो भी ठीक है वह बिन कैसान से मरवी है उन्होंने बयान किया कि इब्न जुबैर रजी अल्लाहुमा के दौर में जुमा और ईद इकट्ठे हो गए तो उन्होंने ईद के लिए निकलने में देर कर दी हत्या के दिन काफी ऊंचा हो गया फिर वो निकले खुतबा दिया और बहुत लंबा खुतबा दिया फिर उतरे और ईद की नमाज पढ़ाई और उस दिन लोगों को जुमा नहीं पढ़ाया ये बात इबन अब्बास से जिक्र की गई तो उन्होंने फरमाया उन्होंने सुन्नत पर अमल किया देरी के बाकी हदीसों में बहुत सी चीजें वो वासिलत है जो एक एक चीज किसी और हदीस में अलग से भी मिलती है जो जोश जुमा के दिन गुसल करे जिस कदर मुमकिन हो पाकिजगी हासिल करे और अपने तेल में से तेल लगाए या अपने घर की खुशबू में से खुशबू लगाए फिर इसी तरह मस्जिद की तरफ जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि जब इमाम निकल आता है तो फिर उसके बाद फिर नाम लिखने बंद कर देते हैं फिर कसरत से दुरूद पढ़ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे के दिन और जुमे की रात को यानी रात से ही शुरू हो जाए कल किसी ने सवाल किया था कि जुमे की रात का कोई खास अमल क्या है तो दुरूद शरीफ पढ़ना है तो जुमे की रात को कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो बस जो आदमी मुझ पर एक दफा दुरूद भेजेगा अल्लाह उस पर दस रहमत नाजिल करेगा आस बिन आस रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक तुम्हारे अफसल दिनों में से जुमे का दिन है इसी दिन इसी दिन दिन आदम पैदा किए गए उनकी रूह कब्ज की गई इसी दिन सूर फूंका जाएगा इसी दिन लोग बेहोश होंगे इसलिए इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो क्योंकि दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है ये एक स्पेशल डे है और इसमें स्पेशल करने का काम क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद का तोहफा भेजा जाए फिर सूरत अलकाह पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुमा के दिन जुमा के दिन रात की बात नहीं दिन की बात है मन करा सूरत अलकाह फी यौमिल जुमाती तो उसके लिए दूसरे जुमे तक नूर रोशन रहता है और फिर क्या करो वज़रुल बैअ खरीदो फरोख छोड़ दो खैर कुम ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है इनकुन तुम तामुन अगर तुम इलम रखते हो जानते हो यानी अल्लाह ने जुमे की नमाज के वक्त खरीदो फरोख से मना कर दिया और उसको उन लोगों पर हराम करार दिया जिनको मुखातिब किया गया की कि उनपे जुमा फर्ज हैजीना अमन से शुरू होके एंड तक एक करने का काम बताया गया और दूसरा छोड़ने का काम और वो क्या है पढ़ना फर्ज है ऐसे तजारत छोड़ना फर्ज है ठीक है यानी जब अजान हो जाए तो खरीदो फरोख तर्क कर दो और अल्लाह के जिक्र यानी नमाज के लिए जल्दी करो यानी अगर कोई सौदा तय भी पा रहा है तो बस वही ठप कर दो आपने एक्सपीरियंस किया होगा सऊदी अरब में के बाद अकात यह होता है कि सिर्फ पैसे देने वाले रह जाते हैं आपने सारी चीज भावता कर लिया चीज ले ली पैक कर ली रख ली और अभी पैसे देने इधर से आजान हुई वो कहते बस छोड़ दो चीज भी छोड़ दो नहीं चाहिए पैसे निकल पड़ते हैं जो बहुत पर्टिकुलर है यानी इस दर्जे का हुक्म है उस वक्त काम छोड़ दो इंस्टेंट स्टॉप वजह ये भी फर्ज के दर्जे में है तो इसी वजह से का इतफाक है कि दूसरी आजान के बाद खरीदो फरोख्त हराम है असल में यहाँ तो हमारे यहाँ मस्जिदों में एक ही आजान होती है लेकिन जैसे अगर सऊदी अरब में आपने कभी हरम में जुमा पड़ा हो तो आपने देखा होगा कि वो एक आजान जरा आधा घंटा या कुछ पहले दे देते वो सिर्फ एक इन्फॉर्म करने के लिए कि लोग तैयारी शुरू कर दे लेकिन जो ही फिर इमाम बैठता है और आजान शुरू होती है तो उसके बाद फिर कोई खरीदो फरोख नहीं इमीजिएट पहले वाली है इसमें ये उलमा का ख्याल है कि ये जवाल के बाद से नमाज जुमा के फारे होने तक है सूर्य ढल जाए तो शुरू हो जाता है खरीदो फरोख बंद कुछ कहते है खुतबे की आजान से नमाज तक है तो बहरहाल जुम्मे के दिन खरीदो फरोख्त यदि सुबह में कर सकते है उसके बाद भी कर सकते हैं। लेकिन उस पीरियड में नहीं कर सकते तो एहतियात यही है कि जवाल के बाद से रोक दिया जाए बाजोकात ये होता है कि खरीदो फरोख्त तो नहीं होती लेकिन जॉब होती है बाजोकात यह है कि कुछ लोग ये करते हैं कि अच्छा अभी तो अजान ही हुई होगी अभी तो खुतबा चल रहा होगा हम नमाज में जाके शामिल हो जाएंगे। तो नहीं आजान का वक्त जो है वो जुमा शुरू होने का वक्त है उसमें फिर बाकी काम छोड़ देने चाहिए अल्लाह कि इंसान पार्क कर रहा है या रश है या रास्ते पे कोई रुकावट आ गई है वो अलग बात है लाल खैरकुम इनकुन तुम ये तुम्हारे हक में बेहतर है यानी खरीदो फरोख छोड़ना बेहतर है अगर तुम जानते हो यानी नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर अमल है और इसलिए कि अगर तुमने वक्त पे नमाज न पढ़ी वो तो फौत हो जाएगी लेकिन अगर तुमने तिजारत छोड़ दी उस वक्त तो वो तो बाद में भी हो सकती है उसका कोई वक्त मुकर तो नहीं है वो तो किसी वक्त भी हो सकती है एक तो ये उस जी के सूरतुल कहाफ के भी जैसे आपने बताया तो सूरतल कहाफ के लिए भी क्या कुछ वक्त मुकैद है कुछ लोग इसको कहते हैं कि इट टू बी बिफोर असर नहीं मगरब से पहले पहले तक पूरा दिन का पूरा दिन दुरूद के लिए भी पूरा दिन ठीक है पे वो दिन का काम ठीक होता 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 है।, है और दूसरा ये जो जुमे की बात आई कि वजरुल उल्भ अब फॉर इंस्टेंस अब डिपेंड करता है ना नीयत वाली बात है कि अगर आपने जुमा अटेंड करने की नीयत की हुई है हाँ। तो फिर आपका होगा अब जैसे फॉर इंस्टेंस हम यहाँ होते हैं और अगर किसी वक्त हम औरतों पर तो फर्ज ही नहीं है जी लेकिन अगर इरादा किया हुआ है तो फिर उस वक्त इंसान सब छोड़ के चला जाए ठीक जजाक एक ये सवाल है कि जब हम फ्राइडे की मॉर्निंग और नाइट कहते हैं तो क्या वो नाइट जुमेरात की मगरब के बाद शुरू होती हाँ, है जी जी सही जी दूसरा ये है कि अगर हम आए हैं जुम्मे की नमाज के लिए और किसी वजह से ट्रैफिक में फंस गए खुतबा हो गया तो उसके बाद क्या हम सिर्फ दो फर्ज ही पढ़ेंगे कि पूरी नमाज पढ़ेंगे अच्छा सवाल है उस उसमें यह है कि बाजिल कहते हैं कि अगर कोई दूसरी रकत की रुकू में शामिल हो गया तो उसका जुमा हो गया इमाम अबू हनीफा को कॉल ये है कि अगर उसने सलाम भी पा लिया तो उसका जुमा हो गया क्योंकि वो भी नमाज का हिस्सा है हद तक वो ये कहते हैं कि अगर इमाम सज्जा साहब कर रहा है तो भी जुमा हो जाएगा यानी पा लेगा अगर किसी मजबूरी की वजह से कोई सोया रह गया कोई किसी वजह से ताखिर हो गई तो जुमा उसको मिल जाएगा लेकिन बहुत से ओलमा ये कहते हैं कि खुतबा भी जरूरी है क्योंकि ये जुमे का हिस्सा है और वो ये कहते हैं कि अगर खुतबा नहीं और जुमे में शरीक हो गए हैं जैसे पहली रकत या दूसरी रकत में भी तो उस सूरत तो में फिर जोहर की नमाज यानी इमाम जब सलाम फेर ले तो दो रकत पढ़ने की बजाय चार नहीं। पूरी नहीं। कर ले। लेकुम क़हफ के बारे में मालूम करना है जैसे हम पढ़ते हैं अब मेरे बच्चे से छोटे है मैं उनको आदत डाली है काफी सालों से तो वो सिर्फ पहली पढ़ लेते हैं कि ऐसा करना सही है पहली फत है।, है लेकिन जुमे के दिन सारी पढ़ने की जरुरत है तो ऐसा ऐसा झूंझू जु बड़े होते जाए उसको बढ़ाते जाए हती पूरी पे आ जाए नबी सबसे पहला जुमा जो था वो मस्जिद कबा में काम किया था उसके बाद हिजरत से पहले जो जुमा हुआ था मदीना में वो असद बिन जुरारा ने मदीना से एक मील दूर कायम किया था असद बिन जुरारा ने ये नबी सल्लाम की आमद से पहले इसीलिए एक सहाबी थे तो वो जब नमाज पढ़ चुकते थे तो कहा करते थे रहम अल्लाह अबू उमामा अल्लाह अबू उमामा पे रहम करे तो पूछा कौन है वो तो कहा गया जिन्होंने सबसे पहले मदीना में जुमा कायम किया था या मदीना से एक मील दूर तो खैरुम इनकुन तुम ताबार छोड़ कर नमाज की तरफ जल्दी आना ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानते हो अहल ईमान की सिफत ये बयान की गई है कि जब उनको अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है इबादत की तरफ बुलाया जाता है तो फिर कोई चीज उन्हें मशगूल नहीं करती अपने अंदर सूरत में आता है रिजाल उन ला तुल तजारत वाला बे जिक्र व इकाम व ईता याफू नबूलूब वल अबसार वो मर्द जिन्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज कायम करने और जक़ात देने से ना कोई तजारत काफिल करती है ना कोई खरीदो फरोख्त तजारत और बै दो अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल हुए वो उस दिन से डरते हैं जिसमें दिल और आंखे उलट जाएंगी तो जैसे ही नमाज का वक्त आए फौरन सब काम छोड़कर जुमे के लिए हाजिर हो जाना चाहिए न सिर्फ ये जुमे के लिए बाकी नमाजों के लिए भी नबी स तरीका यही था असमत से मर भी है वो कहते हैं। मैंने आशा रजी से पूछा कि नबी वसल्लम अपने घर में क्या करते थे उन्होंने कहा आप अपने घर के काम काज यानी घर वालों की खिदमत में होते थे जब नमाज का वक्त होता तो सब कुछ छोड़कर मस्जिद चले जाते थे काम छोड़ देते थे तो बात यह है कि इंसान बक वक्त दो तकों के बीच में होता है दो चीजों के बीच में एक तरफ उसकी दुनिया होती है एक तरफ उसका दीन होता है बहुत से लोग या सिर्फ दुनिया के हो जाते है या सिर्फ दीन के हो जाते है जबकि इन दोनों में बैलेंस कायम करना जरूरी होता है और ये परफेक्ट बैलेंस सूरत जुजुमा में नजर आता है कि यहां पर नमाज के लिए बुलाया गया हाजिर हो जाओ और फिर अगली आत में फरमाया फैजा खुद युफ नमाज पढ़ ली इबादत हो गई इज्तमियत हो गई अब जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह के जिक्र कसरत से करते रहो ताकि तुम फलाह पाओ तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों चीजें जरूरी है दोनों ही इबादत की मुख्तलिफ किस्में हैं इसके लिए तकसीम औकात की जरूरत है टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है कुछ वक्त इबादत के लिए और कुछ वक्त काम काज के लिए जब अल्लाह सुबहान का तकाज़ा करे तो वो इबादत के लिए दौड़ पड़े और जब उसकी तो उसको दुनिया की तरफ बुलाए तो अपने काम काज और माश की तरफ दौड़ पड़े इसी तरह जब दीन की खिदमत के लिए बुलाया जाए दिन के पढ़ने पढ़ाने का वक्त हो तो इंसान उसकी तरफ दौड़ पड़े और जब बच्चे और शौहर और घर वाले हमारे मोहताज हो खाने पीने की और जरूरियात पूरी करने के तो उन जरूरियात को भी इबादत समझ कर पूरा किया जाए तो इस तरह एक हसीन इम्तजाज कायम हो जाता है दीन और दुनिया के दरमियान यानी न तो हमारे से ये तकाजा किया गया कि हम दुनिया छोड़ दें और राहिब बन जाए और ना ही हमसे ये कहा गया है कि हम सारे का सारा वक्त सिर्फ इबादत में ही गुजारे